कहरनपुरवा से आए पुजारी बाबा 3 साल की तपस्या के बाद भवनियापुर लौटे, इंडिया के रहने वाले हैं। बहुत कम उम्र में बाबा ने चोला धारण किया था। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा से जब मेरी बात हुई तो फिर बाबा ने बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिया। दावे में था कि मैं बड़ी बड़ी बीमारियों को सिर फूंक कर, और कुछ हमारे पास आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिससे मैं अच्छा कर दूंगा। फिर मैंने पूछा कौन कौन सी बीमारियों को आप फूंकते हैं बाबा जी। बाबा ने फिर बीमारियों का नाम लेना शुरू कर दिया। पीलिया, भूत प्रेत, हाड़ा टोना, लाग बाधा, फुफकार, बवासीर, सांप काटना, बिच्छू काटना, सफेद दाग, और तो और बाबा ने और भी बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिया। घर में अगर भूत प्रेत का साया है तो उसे भी बांध दिया जाएगा। पुजारी बाबा का कहना है कि हमारे चेला बाबा राजकुमार उर्फ ढोले को भी बहुत सारी जानकारी है। बाबा की जानकारी मिलते ही दूर दराज से लोगों ने आना शुरू कर दिया, और फिर लग गया आदमियों का जमावड़ा। फिर लोगों ने बाबा से पूछना शुरू कर दिया और बाबा ने जवाब देना शुरू कर दिया, और कई लोगों ने पूछा बाबा से अपना सवाल। प्रधान मुनक्का देवी, शंभु मामा, दुजी कौलिक, निबरू आर्या, देशराज कौलिक, रामकिशुन सोनी, दिवाकर आर्या, राहुल कौलिक, देशराज कौलिक, संदीप कौलिक, घनश्याम डब्लू, इन सभी लोगों ने बाबा से पूछे सवाल। बाबा का सही सही जवाब दे पर सभी लोगों ने बाबा का बहुत बहुत किया सम्मान। फिर बाबा को बहुत सारी दुआओं से और आशीर्वाद से बाबा को दिया पैसे और गले का दान, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। बाबा का कहना है कि हमें देने से अच्छा है कम से कम 500 गरीबों को खाना खिलाओ, और अगर कोई समस्या आती है तो हमारे पास आ जाओ। अगर भगवान और अल्लाह ने चाहा तो सभी समस्याओं का करूंगा मैं समाधान। मंडी खोलो साहब, खुल गया मंडी। गाँव बहुत परेशान है बाबा, लड़के सब गाना हैरान होते, कहूँ कुछ होता है बताओ कुछ ठीक करो। आसन पर है आसन, आसन पर रहो महाराज। मालिक बाबा कहीं लग रहा है रेडी बस। आपने सवाल किया तो उसका क्या जवाब दिया? बाबा ने सही सही जवाब दिया, जो मैंने पूछा जो बताया वो सही ठहरा। बाबा से 2-3 सवाल पूछा तो बाबा सही बताया, जो हमारे से सहयोग हो सका मैं उनको किया।